गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वी आर हियर। बेटा आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चला है चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है बेटा। और आज हम सब बेटा जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम हमारे रिवेल्यूशन अकाउंट, ठीक। आज हम रिवोल्यूशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। आज हम पहले सीधे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसका नाम अकाउंट है, इसका मतलब दो साइड होंगी, एक डेबिट दूसरी क्रेडिट। तो हमें यहाँ पढ़ना है बेसिकली कि वो कौन कौन सा आइटम है जो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में दिखाई देंगे और वो कौन सा आइटम है जो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाई देंगे, जो रिवोल्यूशन अकाउंट का रिजल्ट है, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा बेटा, या तो प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन या तो लॉस ऑन रिवेल्यूशन, ठीक है। जो रिजल्ट है उसका हम क्या करेंगे और वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कहाँ और किस रेशियो में, ठीक है। ये सब हमें आज पढ़ना है। तो बेटा मैं आपको याद दिला दूं एक बार कि हमने सेम टॉपिक चैप्टर नंबर 4 यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 4 यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने सेम टॉपिक वहां पर भी पढ़ा है। और बेटा अच्छी बात यह है कि रिवेल्यूशन अकाउंट जैसा वहां बनाया गया था सेम यहां बनाया जाएगा, तो डिफरेंस दोनों रिवेल्यूशन अकाउंट में नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा फॉर्मेट बनाते हैं एक बार। बेटा ये आपकी डेबिट साइड है और ये राइट हैंड वाली आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स पहला कॉलम, दूसरा कॉलम आपका अमाउंट, अगेन इधर भी बेटा पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। बेटा डेट का कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है आपको, ठीक। चलिए देखिए बेटा, डेबिट साइड है यानी कि इधर क्या होंगे, सारे लॉसेज आप इधर दिखाएंगे, इधर क्या लिखेंगे बेटा लॉसेज, आपको रिवेल्यूशन से जो भी लॉस होगा वो सारा का सारा टू की ओर बेटा, और रिवेल्यूशन से भी आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपका बाय की ओर, ठीक है। अब देखो बेटा रिवेल्यूशन होता किसका है बेटा, रिवेल्यूशन होगा एसेट्स का और आपकी लाइबिलिटीज का, है ना। यहाँ पर एक बात तो ध्यान रखना कि एसेट के रिवेल्यूशन को तो रिवेल्यूशन ही बोलते हैं, लेकिन लाइबिलिटी के केस में उसको रिवोल्यूशन के बजाय रीअसेसमेंट बोलते हैं, रीअसेसमेंट, ठीक है। बात एक ही है। अब देखिए बेटा, अगर हम किसी चीज को रिवेल्यूट कर रहे हैं यानी कि हम उसकी वैल्यू को फिर से मेजर कर रहे हैं या उसको फिर से वैल्यूशन कर रहे हैं, तो बेटा यहां पर दो बातें हो सकती है, या तो ये वैल्यू पहले वाली वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी या तो ये वैल्यू पहले वाली वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगी, दोनों केस में बेटा। अब जब एसेट को रिवेल्यूट करेंगे या अपनी लाइबिलिटी को रीअसेसमेंट करेंगे तो दोनों ही केस में केवल दो ही रिजल्ट आपके पास आएंगे कि या तो वैल्यू इंक्रीज होगी होगी या तो वैल्यू डिक्रीज होगी होगी। अब देखिए बेटा, एसेट्स हैं इंक्रीज हो सकती हैं और डिक्रीज हो सकती हैं, बेटा आपकी लाइबिलिटी भी सेम केस है, ठीक है। आपकी एसेट्स लाइबिलिटी दोनों के लिए ही बात है कि वो इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, एसेट्स यदि इंक्रीज हो जाती है तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास एक एसेट थी 10,000 थी लेकिन अब उसकी मार्केट में वैल्यू 12,000 हो गई है, इसका मीनिंग एसेट की वैल्यू बढ़ गई, यानी हमें क्या हुआ बेटा, हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट हो गया तो कहां पर जाएगा बेटा, रिवोल्यूशन के बाय की ओर, देखा ना प्रॉफिट कहां दिखाई देंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक। एसेट की बेटा वैल्यू थी 10,000 लेकिन अब मार्केट में उसकी वैल्यू केवल 8,000 है, यानी कि हमें लॉस हो गया, क्लियर है। तो लॉस कहां पर जाएगा, लॉस के साइड यानी कि डेबिट की ओर, ठीक। ऐसे देखिए लाइबिलिटी को बेटा, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक क्रेडिटर था उसके यहां पर 10,000 रुपीज थे लेकिन अब बोलता है 10,000 नहीं, बहुत दिन समय हो गया तो मैं इंटरेस्ट के साथ लूंगा 10,500, यानी कि हमें क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर लॉस हो रहा है, और यदि ये घट जाते हैं तो हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखिए यानी कि हमारे पास दो ही रिजल्ट आए, या तो किसी
रिवेल्यूशन से हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें उससे लॉस होगा, पक्की बात है। चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो बेटा जिन चीजों से प्रॉफिट हुआ वो सब तो आप लिखो कहाँ, रिवेल्यूशन के क्रेडिट साइड में यानी कि बाय की ओर, और जिनसे हमें लॉस हुआ उनको लिखो कहाँ, रिवेल्यूशन के डेबिट में यानी के टू की ओर। चलिए प्रॉफिट लिखते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुआ देखो बेटा, एसेट के इंक्रीज होने पर और लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर। तो लिखिए बेटा यहाँ पर बाय में, बाय डिक्रीज इन एसेट, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो भी एसेट जो भी एसेट इंक्रीज हो रही है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसका वैसे लिखिए बाय एसेट अकाउंट, कौन सा पैसा बेटा, इंक्रीजिंग का पैसा। ये भी ध्यान रखना कि वैल्यू जितने रुपए इंक्रीज हुई है वो दिखाएं आप, वैल्यू जितने रुपए से इंक्रीज हुई वो दिखाएं। एसेट है हमारे, चलिए हम इसका नाम लेते हैं सीधे सीधे मशीन है बेटा। मशीन की वैल्यू 10,000 थी लेकिन अब उसकी वैल्यू हम 12,000 वैल्यू करते हैं, इसका मीनिंग है वैल्यू कितनी बढ़ गई बेटा, 2,000। तो 2,000 इंक्रीज हो गया प्राइस, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा बाय एसेट में, बाय मशीन 2,000, ठीक है बेटा। ऐसे बेटा लाइबिलिटी का देखिए, बाय लाइबिलिटी बेटा, इस लाइबिलिटी का नाम लिखा जाएगा है ना, एसेट का नाम लिखा जाएगा। लाइबिलिटी कब दिखाओगे बेटा, यहाँ पर जो वो डिक्रीज होगी, क्योंकि लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से हमें प्रॉफिट होता है। एक हमारा क्रेडिटर है उसके यहाँ पर 20,000 थे, कह रहा है लेकिन सर कि अब बस आप 19,000 ही दे दो, लेकिन दे दो है ना, वो 20 की जगह 19 में ही मान जा रहा है। तो हमें कितना बेनिफिट हुआ, 1,000 का, वो 1,000 का बेनिफिट बेटा यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अब इधर आते हैं लॉस की ओर बेटा, लॉस में ये दोनों नाम आएंगे एसेट और लाइबिलिटी, टू एसेट और टू लाइबिलिटी, ठीक है बेटा। उसी एसेट का नाम लिखेंगे जो एसेट है। अब एसेट यहाँ पर कब आएगी बेटा, जब एसेट से हमें लॉस होगा, एसेट से लॉस होगा यानी कि हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, उसका आप डेप्रिसिएशन ही बोल सकते हो, ठीक है। जितना डेटर्स 10,000 थे लेकिन अब उस पर 500 रुपए बैड हो गए हैं, तो आप सीधे लिख सकते हैं टू बैड डेट्स या टू डेटर, टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से बेटा आपको लॉस होगा जबकि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तुमने क्या करा बेटा, जो हमारी एसेट और लाइबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हुई उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से हमें लॉस हुआ और एसेट के डिक्रीज होने से लॉस हुआ, दोनों लॉस हमने कहां पर लिखे, डेबिट साइड में, ठीक है। ऐसे बेटा एसेट के इंक्रीज होने से हमें प्रॉफिट हुआ और लायबिलिटी के डिक्रीज होने से भी प्रॉफिट हुआ, दोनों प्रॉफिट हमने कहां लिखे, क्रेडिट साइड में, ठीक। अब बेटा हम क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है कि जो आप ये रीअसेसमेंट रिवेल्यूशन कर रहे हैं इसके लिए कुछ पैसा हमारा खर्च होगा, ठीक है। यदि इस तरह का कोई एक्सपेंसिस है, वो कहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिवेल्यूशन पर यह एक्सपेंस हुआ, तो वो एक्सपेंसिस भी आपका लॉस है और आपके डेबिट साइड में शो किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो उसका आप लिखेंगे टू रिवेल्यूएशन एक्सपेंसिस है ना बेटा, इसको आप ध्यान रखिएगा कि वो रिवेल्यूशन की जगह रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड भी लिखा हो सकता है ना, रिवेल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसिस, ठीक। आप देखिए बेटा ये एक्सपेंसिस भी दो तरह हो सकते हैं, हो सकता है एक्सपेंसिस फर्म ने पे किए हो, फर्म ने पे किए तो बेटा सीधा टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। और कभी कभी ये एक्सपेंसिस क्या होते हैं बेटा, किसी पार्टनर को जिम्मेदारी दी जाती है और वो पे करता है, अगर पार्टनर ने पे किए हैं या उसने पे करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो फिर यहाँ पर उसका नाम आएगा पार्टनर का, तो रेस्पेक्टेड पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट जो भी कंडीशन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बेटा हम दोनों साइडों को मैच करना है कि हमारे प्रॉफिट कितने हैं और हमारे लॉसेस कितने हैं, ठीक है। जब हम दोनों साइड को ऐड कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम, तो इसका मतलब है क्रेडिट ज्यादा है बेटा डेबिट कम ही, यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन, प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंड करेगा इस बात पर कि कैपिटल आपकी कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, और
फिक्स है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट लिमिट एंड पार्टनर्स के नाम लिख देंगे और जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी ये वाली इसको हम इनमें इनके ऑल शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सा रेशियो होता है? ऑल शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना कि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस चाहे जो हो वो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऑल शेयरिंग रेशियो में ही होगा। क्लियर है बेटा? ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि ये साइड ज्यादा आए और ये साइड कम आए, यानी कि डेबिट ज्यादा हो क्रेडिट कम हो। इसका मीनिंग है कि हमें क्या हुआ बेटा? लॉस हो गया। ठीक है, तो जैसे बेटा हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है ऐसे ही हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन तब इधर लिखेंगे उसको बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ठीक है बेटा, कैपिटल करंट जो भी है इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके और शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है, और जैसे ही हम प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करेंगे वैसे हमारे दोनों शेयर का टोटल सेम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जहां हमने स्टार बनाया है, ठीक है बेटा, इन दोनों में से तो एक ही आएगा क्वेश्चन में, तो स्टार की एंट्री है दोनों, यानी कि प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन और लॉस ऑन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन में से इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो हमें इस क्वेश्चन में बेटा प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ हो जाएं। क्लियर है? यानी एक ही क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। आइदर देयर विल बी अ प्रॉफिट और देयर विल बी अ लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। क्लियर है बेटा? चलो, कुछ कंफ्यूजन है किसी को? देखो नीचे तक आ रहा है क्या? हाँ, लास्ट तक आ रहा है। अच्छा, चलो बेटा फिनिश है इसको, चलिए रफ करते हैं और इसका क्वेश्चन करते हैं।